और बिहार में हुए इस महागठबंधन के कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी नेता ने कहा कि अब नीतीश कुमार को बिहार की जनता को जवाब देना होगा। जिस जनादेश के साथ वो सत्ता में आए थे उसको उन्होंने धोखा दिया है, उन लोगों को उन्होंने धोखा दिया है। साथ ही वे बोले कि अब जब जंगल राज वालों के साथ नीतीश कुमार सत्ता में है, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति होगी कल्पना की जा सकती है। यही नहीं, बिहार के मुद्दों पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने क्या कुछ कहा, जरा देखिए। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी। बिहार की यदि बात करें, नीतीश कुमार सत्ता में है महागठबंधन के साथ, कैबिनेट का विस्तार भी हो गया, भाजपा का पहला रिएक्शन इस पर क्या है? सत्ता में तो वो पहले भी थे, मुख्यमंत्री तो वो पहले ही थे। अब तुमको जनता को बताना पड़ेगा कि जिनके खिलाफ उन्होंने वोट मांगा था, जिनके खिलाफ जनादेश मिला था, जिस जंगल राज और चारा घोटाले का विरोध लेकर वो गांव गांव गए थे, आज उन चारा खाने वालों के साथ सत्ता जंगल राज के साथ गठबंधन करके सत्ता चलाएंगे। अब बताना तो उनको ही पड़ेगा, मुख्यमंत्री तो वो पहले भी थे, आज भी है, बनने जा रहे हैं। इसलिए जनता जानना चाहती है, क्या जो आपने बिहार के चौराहे में आकर खड़ा होकर, गली गली में खड़े होकर कहा था, वो सत्य था, वो सही था, या ये सही है? क्या जनादेश का अपमान नहीं हो रहा? नीतीश जी को बताना, जनता जानना चाहती। लेकिन क्या एक बार फिर से जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार पाला बदलते रहे हैं, महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद वो बीजेपी के साथ आए और फिर से महागठबंधन के साथ, क्या भविष्य में दोबारा आएंगे तो आप लोग स्वीकार करेंगे? अब तो जनता स्वीकार नहीं करने वाली। बिहार की जनता बहुत समझदार है, पॉलिटिकली उनसे ज्यादा कोई समझदार नहीं है। उनको मालूम क्यों और कैसे क्या हो रहा है और कौन जनादेश का अपमान कर रहा है। बिहार को एक विकास की डबल इंजन की सरकार के लिए वोट मांगा गया था और जिस पर काम भी चल रहा था। अब नीतीश जी को बताना है कि क्या कारण है कि उन्होंने जंगल राज के चारा घोटाले का साथ लिया है। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार तो खुद बीजेपी पर कई आरोप लगाते रहे हैं गठबंधन तोड़ने का, उन्होंने बताया कि आखिरकार बीजेपी लगातार, क्योंकि जेडीयू को कमजोर करने का प्रयास कर रही थी इसलिए उनको अलग होना पड़ा भाजपा से। लेकिन जिस तरीके से नई सरकार बनने के बाद परिस्थितियां बिहार में बनी हुई हैं, खासतौर पे कानून व्यवस्था को लेकर, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में और भी खराब होने के चांसेस हैं? ऐसा है कि नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, कम सीटें आने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म को अपनाया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। अब उनका गठबंधन हुआ है जंगल राज वालों के साथ, लॉ एंड ऑर्डर तो उनको बताना पड़ेगा। जनता के अंदर तो अभी ही अविश्वास पनप गया है, लोगों के मन में एक नए तरह का खौफ आ गया है कि क्या वो लालू यादव सरकार की पुनर्वृत्ति होगी, क्या उसी तरह सब कुछ होगा। जनता पहले ही खौफ के माहौल में। वक्त देने के लिए शुक्रिया। ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।